वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप IQ Z6 Lite 5G मोबाइल में दोस्तों आप फिंगरप्रिंट कैसे सेट करेंगे, आप अपने मोबाइल में डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट कैसे लॉक लगाएंगे। तो आपको करना क्या, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। और जैसे ही मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप अगर आपने कोई भी लॉक बनाया रहेगा स्क्रीन में पैटर्न या पिन या पासवर्ड, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों डालना पड़ेगा। तो जैसे ही डालते हैं दोस्तों, आपको मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने फिंगर कोई भी स्क्रीन लॉक नहीं बनाया तो आपको पहले बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पहले से बनाया था, वो डाल दिया, इसके बाद में इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट इनपुटिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप अपने फिंगर सेंसर पर फिंगर को टच कीजिए, यानी कि दोस्तों आप अपना फिंगर सेट कर लीजिए। यहाँ से फिंगर सेंसर पर फिंगर को टच कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। और दोस्तों जब तक लगाना है चारों तरफ से लगा देना है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी प्रकार से लगाएंगे तो आपका दोस्तों सेट आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है, फिंगरप्रिंट एडेड लिख के भी आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे डन का ऑप्शन आता है, तो डन भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों और भी ऐड करना चाहते हैं, ऐड अनदर, यानी कि दोस्तों आप दूसरा फिंगर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डन का ऑप्शन, तो आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड ऐप लॉक में लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, और फिंगर दूसरा फिंगर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो चुका है। अब दोस्तों बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद दोस्तों मैंने मोबाइल को लॉक किया। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच किया, वैसे ही मोबाइल अनलॉक हो गया। तो दोस्तों आपका मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो सेंड कर मिली, प्लीज वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक से। बाय बाय, टेक केयर।